जय मां भवानी। देश विदेश में बैठे सभी भारतीयों को नवरात्र और आने वाली दुर्गा पूजा की बहुत 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 शुभकामनाएं। मित्रों, आज एक विशेष रेमेडी है जिन लोगों की शादियां बहुत लेट हो चुकी हैं, 30, 32, 35, 38 इस तरह से हो गई हैं, ये 40, 42 भी हैं। इस वर्ष के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि यह वर्ष उन लोगों के लिए बहुत शुभकारी होगा जिनकी शादियां बहुत लेट हो गई हैं। अचानक से उनको बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे और उनकी शादियां हो जाएंगी, जो बहुत समय से उनको लग रहा था कि उनके लिए जो ऑप्टिमम जो लाइफ पार्टनर है वो नहीं मिल पा रहा है, तो अचानक से उनको भाई रिश्ता जुड़ेगा और शादियां होंगी। तो दोस्तों, यह है नवरात्र का बहुत ही सुंदर समय। सारे ग्रहों की बहुत ही शुभकारी युति बनी हुई है और एक दृष्टि भी बहुत सुंदर है और पोजीशन बहुत सुंदर है। इस समय में बृहस्पतिवार को आपको यह उपाय करना है। ये उपाय मम्मी भी कर सकते हैं, पापा भी कर सकते हैं, उनके लिए, बच्चों के लिए, आपके अपने यूथ के लिए। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? एक आपको चाहिए होगी सोने की रिंग। आप रिंग में यह है कि जो बच्चा है जिसकी जिसकी शादी होनी है उसके नाप में आनी चाहिए, उसके रिंग सेरेमनी में लेफ्ट हैंड के रिंग सेरेमनी फिंगर में आनी चाहिए। यह सिंपल एक छल्ला भी चाहिए आप ले सकते हैं, कोई भी जो गोल्ड की रिंग है वह आप ले सकते हैं जो घर में पड़ी हुई हो, मम्मी की हो या पापा की हो। लेकिन इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि यह जो रिंग है कहीं से मिली हुई ना हो, किसी भी शादी ब्याह में कोई गिफ्टेड ना हो। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो रिंग है वह कहीं से रिश्तेदारी में आई गई ना हो, गिफ्टेड ना हो, आपके फादर ने खुद खरीदी हो या आपकी मदर की खरीदी हुई हो और वो उनकी पहनी हुई हो, या उनको सिर्फ उनके पेरेंट्स से मिली हुई। जैसे फादर है तो फादर को उनके पेरेंट्स ने दी है, या मदर है तो मदर के पेरेंट्स ने दी थी, तो वह रिंग आप ले सकते हैं। इस रिंग को आपको क्या करना है, वैसे शुभकारी होगी कि आप बिल्कुल सिंपल सी ही अगर रिंग नहीं ले पाए तो बहुत उत्तम होगा। तो आपने करना क्या है, एक रिंग लेनी है, 21 दाने आपने जो है चने की दाल लेनी है, चने की दाल, साबुत चने नहीं, चने की दाल, और आपके पास जो है गंगा जल होना चाहिए और आपका गुलाब जल, ये चार चीजें आपके पास होनी है। तो अभी आज का दिन सोमवार है, 2 दिन आपके पास है, तो आप आराम से इन चारों चीजों को अपने पास रेडी रखें, गंगा जल, गुलाब जल, चने की दाल और एक गोल्ड ग्लास। तो आपने क्या करना है कि सुबह बृहस्पतिवार के दिन सुबह ही सुबह सनराइज के करीब या सनराइज से पहले भी आप कर सकते हैं, चने की दाल लेंगे, सिर्फ 21 दाने आपको चाहिए, आप पहले से कटोरी में डाल के रख लें, बुधवार की रात को आप इसे सामग्री को साथ में रख लें, कटोरी में डाल के 21 दाने रख लें। सुबेरे आपने क्या करना है, उसमें 9-9 बूंदे जो है गंगा जल और आपका जो गुलाब जल रहेगा वह डालना है, और थोड़ा सा सादा पानी भी डाल दीजिए। उसके साथ में आपने ये जो रिंग है वह उसमें डाल देनी है, चने की दाल 21 दाने और उसमें आपने डाल देनी है, और साथ में कोई भी अगर पीला पीला फूल आपको मिल जाता है तो अति उत्तम, वह इसमें बीच में भी डाल सकते हैं, या आप ये पीला फूल कहीं पे भी मंदिर जी में चढ़ा दें, या आप घर में ही अगर आपकी पूजा स्थान है कोई भी देवी देवता की फोटो है तो आप वहां रख सकते हैं। सिर्फ इतना काम आपको करना है और छोड़ देना है, इसको रख करके आपने छोड़ देना है। आप पूजा स्थान में भी रख सकते हैं या किसी स्लैब पे जहां पे सेफली रहे, इसमें चीटियां न लगे, आपने ऐसी जगह रखना है। अब रख दें इसको थर्सडे पूरा दिन और रात, फ्राइडे को सुबह आप नहा धो करके जो भी बालक या बालिका जिसकी शादी होनी है, जो भी व्यक्ति है जिसकी शादी होनी है, उनको यह रिंग जो है उसमें से निकाल करके आप पहना दें, और जो चने की दाल है उसको आपने क्या करना है कि थोड़ा सा कूट लें आप उसे, और कूट करके जो आटे की एक लोई बनाए और लोई में इसको डाल दें। दोस्तों, इसमें विशेष ध्यान रखना है कि आपने हल्दी नहीं डालनी है, इसमें हल्दी हम नहीं डालेंगे, सिर्फ चने की दाल लेनी है। कई बार लोग सोचते हैं कि बृहस्पतिवार का दिन है तो थोड़ी हल्दी भी डाल देते हैं, हल्दी नहीं डालनी है। और यह जो है आप जो दाल है उसको पीस करके आपने लोई बनाई और उस लोई को आपने जो है
गाय को खिलानी है। अब गाय ऋतु कैसी रहेगी, आपको इसे विशेष ध्यान रखना है, यही एक जो है इम्तिहान की घड़ी। आप थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा। गाय आपने काली सफेद नहीं लेनी है, सफेद हो नहीं हो, आप ब्राउन कलर की, डार्क रेड या ब्राउन कलर की गाय की ढूंढें और उनको यह जो है पेड़ा खिलाएं। पेड़े में विशेष ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ज्यादा कई लोग जो है आटा बहुत पतला पतला गूंद लेते हैं और फिर कहते हैं जी गाय ने खाई नहीं या गाय से खाई नहीं, ऐसा ना करें। बहुत ज्यादा पतला जब आटा रहता है तो वो गाय के गले में या मुंह में लग जाता है। तो आपने ठीक सी लोई बनानी है, तो उसमें आपने ये चने की दाल भर करके वह गाय को खिला दिए। गाय का रंग जो है वो डार्क ब्राउन या रेड हो। एक चीज और अगर आप कर पाते हैं तो गाय ऐसी मिल जाए जिसके कि सींग ना हो तो अति 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 उत्तम। अगर आप इस उपाय का 100% लाभ उठाना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि ऐसी गाय मिल जाए आपको जिसके कि सींग ना हो। अब लोग कहेंगे जी बछड़े को डाल सकते हैं, हमें बछड़ा मिल गया था, हमने बछड़े को डाल दी थी, ब्राउन कलर का बछड़ा मैंने, गाय तो मिली नहीं तो हमने बछड़े को डाल दी थी। ऐसा ना करें, आपने गाय को ही खिलाना है। और अगर सींग है भी तो इस बात को जरा सा देख लें कि बहुत बड़े सींग ना हो। कई बार क्या होता है कि कुछ गाय होती है उनके सींग जो है बहुत ऐसे एकदम गोल होते हैं और नुकीले होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो ऐसी गाय ना हो, ये थोड़ा सा अवॉइड करें। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी जो है शादी बहुत लेट हो चुकी है, सब लोग चिंता करते हैं, तो आपका इसका जो है विशेष ध्यान रखें कि आपको जो है ऐसा देखना है गाय को, थोड़ा सा यत्न करके और यह उपाय आप कर लें। और जो रिंग है वह आपने जो भी जिनकी शादी होनी है आप उनको पहना दें। अब बात यह कि वो आपके पास में नहीं है, माना कहीं बाहर जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, तो आप इसको जो है एक पीले रंग के कपड़े में डाल करके बांध करके, और नया कपड़ा हो, पुराना कपड़ा नहीं हो, साफ सा कपड़ा या रुमाली ही हो जाए कोई, तो आप उसमें डाल करके इसको जो है रख लेंगे। और जब भी वो आते हैं तो, लेकिन आपने याद ये रखना है कि फ्राइडे के दिन ही आपने उनको ये रिंग जो है पहनानी है। आप इसको इस प्रकार से डाल के रख लेंगे। तो दोस्तों यह रेमेडी, यूनिक रेमेडी, बहुत ही लाभकारी रेमेडी, आप देखिए बस चूक ना जाए। इस समय में आप इस उपाय को कर ले, माँ भवानी की कृपा होगी और आप देखेंगे कि दिसंबर तक आपका प्रभु की कृपा से, माँ भवानी की कृपा से जो है आपका रिश्ता तय होगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से आप सभी को दुर्गा देवी की कृपा प्राप्त हो, और यही कामना मेरी करते हुए ये वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।